11 నా పేరు హబీబ్. న్యూస్ టీమ్ డీటెయిల్స్. కాశ్మీర్లోని 8 సంవత్సరాల బాలికపై జరిగిన లైంగిక హత్యాచారాన్ని నిరసిస్తూ హానెస్ట్ మహిళా మండలి సభ్యులు క్యాండిల్ ర్యాలీ నిర్వహించి సనా హోటల్ నుండి టోలీ చౌకీ వరకు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ రాను మహిళలపై లైంగిక దాడులు పెరిగిపోతున్నాయని, వారిని కాపాడాల్సిన ప్రభుత్వం నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు వ్యవహరిస్తున్నారని అన్నారు. కాశ్మీర్లోని 8 సంవత్సరాల బాలికపై జరిగిన లైంగిక దాడి చాలా దారుణమని, వెంటనే నిందితులను కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు. मेरा नाम सलमा जाफर है. ऑनेस्ट महिला मंडल की प्रेसिडेंट हूँ मैं. आज हम लोग आसिफा के इंसाफ के लिए हकीमपट से लेकर टोली चौकी तक रैली निकाले हैं. मोदी जी ने जो गवर्नमेंट को हुक्म दिया है कि 12 साल की बच्ची को जो रेप कर रहे थे उनको उम्र कैद दियो बोल के, लेकिन 12 साल की बच्चियों को, क्योंकि 12 साल से ज़्यादा बच्चियां भी है, 14 साल 15 साल 18 साल की बच्चियां भी है, उन लोग कॉलेज को जा रहे हैं. उन लोग की क्या है, कैसे उनको सिक्योरिटी देते आप? सब बच्चियों के लिए सिक्योरिटी, वो बच्चियाँ भी सेफ नहीं है, वो बच्चियों को भी सेफ चाहिए ना. कॉलेज है, उन लोग बाहर जॉबों पर जाते, बच्चियाँ बाहर कुछ भी जॉब करने जाते, गरीबा है भाई, जो भी है करने के लिए जाते. जो मोदी जी करे ना, पूरे जो भी अगर कोई बच्चा भी छेड़ा तो भी उसको भी सजा देना है भाई. बच्चियों को सेफ रखिए आप, बच्चों के लिए कुछ भी और डिसीजन. तकलीफ दिए हैं मुजरिम, उन लोग को भी वही तकलीफ, जो चीज़ उन लोग इस्तेमाल करें वो चीज़ निकाल दीजिए आप. वो चीज़ को आप हुकूमत में हम नहीं तो आप लोग हमा को दीजिए हुकूमत, लेडीज़ को हम बता दें क्या करना है. टोली चौकी डिवीजन में सारे महिला प्रेसिडेंट और तमाम बच्चों को लेकर हमने रैली निकाली है आसिफा के इंसाफ के लिए. हम चाहते हैं कि जो भी आरोपी है उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, और जो सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर निकाले हैं अप टू 12 इयर्स. सो हम चाहते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 12 इयर्स होते हैं, बट वाट अबाउट देम हु आर अबाउट 12 इयर्स. लड़कियां जो है ना स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, और बहुत सारी लड़कियां जॉब करती हैं, नाइट शिफ्ट्स करते हैं, और सारी महिलाओं को वही प्रोटेक्शन होनी चाहिए, यानी कि सारी लड़कियों को वही प्रोटेक्शन होनी चाहिए, और जो अभी आरोपी है उनको भी वही सज़ा मिलनी चाहिए, सिर्फ फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए. हमारी डिमांड यही है गवर्नमेंट से कि जो भी रेप विक्टिम है, जो भी असोल्ट करता है वुमेन को, उससे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, और वो सज़ा सबके सामने होनी चाहिए ताकि दूसरे मर्द उसको देखें और नसीहत लें. हमारी गवर्नमेंट से यही है कि और ऑल इंडिया दिस प्रोटेस्ट इज़ गोइंग ऑन ऑल इंडिया, ऑल कम्युनिटीज़ हैड गैदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. So we request all communities don't go for any religious and don't go for any political issues, no. So we are fighting for the victim, we are fighting for the justice. All Indians, we had raised our voice together to support for each and every victim. So we are with, we are united now. We are not going to listen any government, we are not listen going against these racisms, and we are not listening to the political parties who are not supporting to the justice. So we stand up, we everyone had stand up for the victim to give the. Idi ee roju vartha mari hindi telugu vartha kosam chustene undandi TV11. TV11 ఛానల్ ని టీవీతో పాటు యావత్ దేశం నెలమూల నుంచి ఎప్పుడైనా లాగిన్ కావచ్చు. మా TV11 ఛానల్లో లైవ్లో చూడొచ్చు. www.tv11live.com లో లైవ్ చూడొచ్చు.
ఇది ఈరోజు వార్తలు. మిగతా వార్తల కోసం చూస్తూనే ఉండండి టీవీ 11.